परमेश्वर का जो वचन आज के दिन के लिए हमें दिया गया है वो हमें मिलता है पहला युना उसका चार उसका चार सो हेयर द बाइबुलट हुई इन यू इज ग्रेटर देन दबल हुई इन द वर्ल्ड और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो तुप में है वो उसमें उससे जो संसार में है बड़ा है द गॉड स्पिरिट जीसस जीसस क्राइस्ट द वर्ड ऑफ गॉड इन यू इज ग्रेटर दैन द डेविल इन दिस वर्ल्ड जो पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह और वो परमेश्वर जो इस संसार में है उस शैतान से बड़ा है

Than, than well. परमेश्वर की आत्मा जो तुम में है वो उस शैतान से जो संसार में है बड़ा है is in me, in my heart, is greater than

keep on confess keep on confess the greater blessing is in me greater blessing is in me i am blessed very much in greater way तो आत्मा का वो अभिषेक जो आपके अंदर है आत्मा का वो वरदान जो आपने पाया है वो वो आत्मा का दान जो आपको मिला है, आपको बार बार इस चीज का अंगीकार करने की जरूरत है कि ये सारी बातें ये सारी आशीषें जो आपके अंदर मौजूद है वो जो संसार में है उससे कहीं बड़ी है बाइबल वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग और वचन ये बात साफ साफ कहती है कि जो कमजोर है वो कहने पाए कि मैं सामर्थ्य हूँ और जो गरीब है वो कहने पाए कि मैं धनी हूँ बिकॉज द अपॉन मी क्योंकि वो धन्यता की आशीष वो मेरे ऊपर है वर्ल्ड परमेश्वर की जो वो आत्मा है वो मेरे ऊपर है जो संसार से बड़ी है facing, me, और संसार की जिन परेशानियों से जिन व्यवस्थाओं से जिन विपदाओं से हम लड़ रहे हैं हमारा जीवन लड़ रहा है वो सारी उस चीज से छोटी है जो अभिषेक मेरे ऊपर है

नाम से पूरी होने वाली हैं। सो ऑल द प्रोमिस ऑलरेडी फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह में हर एक आशीष वैसे भी पूरी हो चुकी है सो यू हैव टू क्लाइम दैट एवरी डे एंड रिसीव द गॉड्स ब्लेसिंग इन योर लाइफ इसीलिए आपको रोज बरोज उन आशीषों को उन भविष्यवाणियों को अंगीकार कर, कर अपने जीवन में उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है ग्रेट द ग्रेट गॉड इज इन मी वो वो परमेश्वर परमेश्वर मेरे मेरे अंदर है। है। हृदय में निवास करता और मेरा शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड इज इन मी और इसीलिए वो जीवित परमेश्वर की आत्मा हर समय मेरे अंदर निवास करती है सो लाइक ग्रेट ब्लेसिंग God given to you. और इस तरह आपको निरंतर उस 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 चीज को साशिश को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे अंगीकार करते रहने की लगातार जरूरत है. So the Jesus Christ is dwelling in us. So he is um, greater than anything. इन दिस वर्ल्ड तो यीशु मसीह चूंकि हमारे अंदर है मौजूद है और वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है सो हाउ जीसस क्राइस्ट इज ग्रेटर देन मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ्स यीशु मसीह हमारे हमारे जीवन में बड़ा, हमारे जीवन में में बड़ा जो मौजूद है वो संसार की बाकी सारी चीजों से कैसे बड़ा है तो हम निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका बारह अध्याय उसका छह पद जो ये कहता है कि यीशु मसीह मंदिर से भी बड़ा है जीसस द टेंपल यीशु मसीह मंदिर से कहीं ज्यादा बड़ा है So what is the temple means? और इस मंदिर का अर्थ क्या है so वचन ऐसा कई बार कह चुका है कि जो परमेश्वर है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता so the big big uh, places called the temple. That is, uh, made by human hands. और वो बड़े बड़े स्थान जिन्हें हम मंदिर कहते हैं वो केवल और कुछ नहीं लेकिन मनुष्य के हाथों की बनाई हुई चीजें हैं But the Lord is द in the people those who are inside and worship worshiping Him. लेकिन परमेश्वर उन मनुष्यों के अंदर निवास करता है जो उसकी आराधना करते हैं और उसकी उपासना करते हैं सो दैट्स व्हाई द बाइबल सेज़ ग्रेटर देन और इसीलिए वचन इस बात को कहता है कि यीशु मसीह उस मंदिर से भी बड़ा है सो जीसस क्राइस्ट इज सो ग्रेटर देन द

और यहाँ मंदिर का जिक्र इसलिए किया गया है ये बताने के लिए कि मंदिर जो कि एक सांसारिक वस्तु है हम उन सांसारिक चीजों को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं so Else. और इसलिए हम अपने जीवन में कई बार उन चीजों को जो uh, मायने नहीं रखती हैं ज़्यादा महत्व दे जाते हैं। So the worldly things will be the first importance in our lives rather than Jesus. और इससे क्या होता है कि संसार की चीजों को हम परमेश्वर से और यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व दे देते हैं। So such a situation शुड नॉट है ऐसी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए so, और ये हमारे जीसस क्राइस्ट शुड बीम्पल ऑल टेम्पल्स इन अवर माइंड एंड हॉट और ये मसीह हर उस इमारत से जो संसार में बनाई हुई है हमारे मस्तिष्क में हमारे हृदय में है हर उस चीज से बड़ा है सो सेवरल टाइम वी आरिटीज इन अवर माइंड टू गि कॉन्सेंट्रेट समी और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचारों में अपने मस्तिष्क में उन तमाम चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो यशु मसीह से हम अगर तुलना करें तो सो वी है टाइम ऑल द लेवल इन अवर लाइफ और इसीलिए जरूरी है की हम ये मसी को अपने जीवन के हर एक चरण में हमेशा पहला स्थान दें ऑल दी शुड ही हर वक्त वो हमारे हृदय में निवास करता रहना चाहता और दूसरी बात जो ये मसी है वो योना से महान है मैथ्यू ट्वेल्व फोर्टी सिक्स और बती किन्जील बारह उसका चालीस ऐसा कहता है सो जीस क्राइस्ट इज ग्रेटर देन जोना

and three nights in the same way the son of man also inside the grave for three days जैसे योना तीन दिन और तीन रात जल उस मछली के पेट में रहा वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी तीन रात और तीन दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा so Jonah preached for the one group of small people तो योना था योना जो था उसने प्रचार किया उस समाचार के एक बहुत ही छोटे समूह के लोगों के लिए but the gospel of jesus christ is for the entire world लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो समस्त पृथ्वी के लिए है the gospel of jesus christ is transforming changing the entire world परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो पूरे संसार में पूरी पृथ्वी में रूपांतरण को ला रहा है jesus christ is greater than zionah और यीशु मसीह उस जोना से बड़े हैं so jesus christ is going to be reign supreme in your life through the gospel और यीशु मसीह सुसमाचार के जरिए आपके जीवन का शिरोमणि होने पाए so the gospel of jesus christ should be preached through every one of us in these last days और इसीलिए अंत के दिनों में यह बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के सुसमाचार को आप में से हर एक के जरिए प्रचार किया जाए so the lord want to use you and your family और परमेश्वर इसीलिए आपको और आपके परिवार को इस्तेमाल करना चाहता है सो यू शुड ऑल द टाइम फिल्ड विद द द ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और आप हर वक्त परमेश्वर के सुसमाचार से भरे रहने पाए सो इन सीजन सीजन एंड आउट ऑफ यू हैव टू प्रीच द गॉस्पल और वजह कोई भी हो बाहर या अंदर आपको वचन प्रचार करना है सो इन ऑल सिचुएशन वी हैव टू बी गेट रेडी विद द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के सुसमाचार के साथ तैयार रहना है बिकॉज़ जीसस क्राइस्ट इज ग्रेटर देन योना क्योंकि यीशु मसीह योना से बड़े हैं गॉड वांट टू यूज यू

जो सुलेमान से भी बड़ा है वो यहाँ है सो सोलोम मीन्स विस्टम और सुलेमान जो था वो बुद्धि उसके वो बुद्धि का राजा था सो गॉड फुलफिल्ड जीसस क्राइस्ट फुलफिल्ड दिस्टम एंड द नॉलेज मोर देन दालोमोन और परमेश्वर ने यीशु मसीह को सुलेमान से कहीं ज्यादा बुद्धि और ज्ञान से भरा था The wisdom of Jesus Christ is greater than the wisdom of Solomon. Buddhi was Suleiman ki So first Corinthians chapter one thirty, clearly the Bible says Jesus Christ became for us wisdom of God, righteousness and sanctification and redemption. और पहला कुरंथियों एक का तेरा ऐसा कहता है कि जो यीशु मसीह था वो बुद्धि का परमेश्वर और उस महान ज्ञान का परमेश्वर बना जो छुटकारा दे सकता है सो द जीसस क्राइस्ट इज ग्रेटर देन सोलोमोन तो यीशु मसीह सुलेमान से भी महान

Which was built by Solomon. और ऐसा माना जाता है कि जो सुलेमान ने बनाया वैसा मंदिर आज तक किसी के किस द्वारा बनाया नहीं जा सका बट दैट टेंपल बिल्ट बाय सोलोमन लेकिन यीशु मसीह उस मंदिर से भी महान है जो सुलेमान ने बनाया सो ही इज ग्रेटर विजडम ऑफ सोलोमन और इसलिए वो सुलेमान की बुद्धि से भी महान है ही इज मोर ग्रेटर जोना और वो योना से भी महान है सो ही इज विद यू और वो आपके साथ है ही इज इन यू वो आप में है सो ही इज गोइंग टू ब्लेस यू टुडे और वो आज आपको आशीष देने जा रहा है यू हैव टू कीप जीसस इंक्रीज इन जीसस एवरी डे और आपको यीशु मसीह में रोज बर रोज बढ़ने की जरूरत है सो दैट्स व्हाई द प्रॉमिस जॉन फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 4 क्लियरली सेज द जीसस क्राइस्ट इन यू इज ग्रेटर देन द डेविल और इसीलिए पहला का ये मसीह जो तुम में है वो शैतान से जो इस संसार में है बड़ा है सो यू शुड नो दूथ यू शुड अक्नोलेज दूथ यू शुड दूथ एंड यू शुड ऑल दैक्टिस दिस ट्रूथ इन ये टूडे लाइफ और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सत्य को जाने उसका अंगीकार करें उसका अनुसरण करें और उसके अनुसार चले ऑल द प्रॉब इट इज लैक ऑफ नॉलेज और जो भी समस्याओं से हम गुजर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है सो टूडेड्रेड परसेंट और आज परमेश्वर का वचन आज अपनी उपस्थिति में आपको आजाद करने जा रहा है so ग्रेटर और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रोज रोज़ इस वचन का मनन करें जो हमें मिलता है पहला योना उसका चार उसका चार में और ऐसा कहे कि यीशु मसीह जो मुझ में है वो उस शैतान से जो संसार में है बड़ा है सो नोइंग्रूथ यू शुड कीप ऑन ग्रो इन द लॉर्ड एवरीडे और जब आप सत्य को जान लेंगे तो आप परमेश्वर में रोज बढ़ते जाएंगे सो जॉन द बैप्टिस्ट ही इज क्लियरली ट्रिलिंग जीसस शुड इंक्रीज इन माय लाइफ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ-साफ इस बात को कहता है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह बढ़ने पाए सो ही शुड इंक्रीज आई शुड डिक्रीज और मैं मैं घटने पाऊं और वो बढ़ने पाए सो दैट मींस द फ्लश शुड डिक्रीज जीसस शुड इंक्रीज इन आवर लाइफ इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक रूप से जो हमारा शरीर है मांस का वो गिरने पाए वो कम होने पाए लेकिन आत्मा में हम परमेश्वर में बढ़ने पाए when the flesh is increasing in our life automatically the sinful things will be increase in our lives और जब हम शरीर में बढ़ना शुरू करते हैं तो यह असंभवित रूप से होता है कि हम पाप में भी बढ़ना शुरू करते हैं so this is very important every day we have to check we have to update with Jesus how much we are increasing in Jesus Christ. और इसीलिए हमें रोज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह में कितना बढ़े हैं The self-justification before God in prayer is very important. प्रार्थना में आना और अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है Because God will never fail, God will never change. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी हारता नहीं है लज्जित नहीं होता और कभी बदलता नहीं सो फर्स्ट जॉन फोर फोर विल नेवर चेंज इज इन यू इन अस इज ग्रेटर देन This world. और इसीलिए पहला योना चार का चार जो वचन है वो भी कभी नहीं बदलता क्योंकि जैसा लिखा है जो मसीह मुझ में है और वो जो शैतान में है वो कहीं बड़ा है बट द लेवल ऑफ जीसस क्राइस्ट द ग्रोथ लेवल इन यू लेकिन सवाल ये है कि यीशु मसीह का स्तर यीशु मसीह का वो स्तर जो मुझ में होना चाहिए बढ़ोतरी का वो क्या है So today the Lord इज रेडी टू strengthen यू empower यू you. Your inner मैन शुड बी strengthened by गॉड और इसीलिए आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है आपको मजबूत करना चाहता है ताकि आपका आंतरिक हृदय जो है वो मजबूत हो जाए सो यूवर इनर मैन यूर स्पिरिचुअल मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग एवरी डे और होने पाए कि आप आंतरिक रूप से जो मनुष्यत्व है आपका वो मजबूत होता जाए और आप आंतरिक रूप से परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ते जाए लाइफ। और अपने आप ये होगा की आपका सांसारिक जो चीज है शारीरिक जो चीज है वो नीचे होती जाएगी जीसस क्राइस्ट इजिंग लिविंग इन मे और जैसा की पॉलिस कहते हैं की वो यीशु मसीह मुझमे यीशु मसीह मुझ में जीवित so और इसका अर्थ ये होता है कि प्रेरित पॉलस के पूरी तरह से नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है सो टेकन कंट्रोल ऑफ द जीसस क्राइस्ट इन हिज बॉडी सोल एंड माइंड और ऐसा है कि यीशु मसीह ने पूरी रीति से पॉलिस का अधिकार और नियंत्रण अपने में ले लिया था दई ही टाइम बोस्टिंग अपॉन जीसस आई विल बोस्ट इन दिस वर्ल्ड ओनली वन पर्सन जीसस 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 ही इज ऑल द टाइमिंग नथिंग इज गेइन इन दिस वर्ल्ड फॉर मी rather than jesus और इसीलिए वो हर वक्त इस बात से बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे बहुत ज्यादा वो घमंड करते थे कि मेरे लिए घमंड का केवल एक ही विषय है और वो विषय है यीशु यीशु और केवल यीशु और इस संसार की कोई भी बात मेरे लिए लाभ की नहीं है लेकिन केवल यीशु मेरे लिए लाभ की बात है so today my friend jesus want to give you the such experience और मेरे प्यारे दोस्तों आज यीशु मसीह आपको भी वही अनुभव देना चाहते हैं jesus christ is in you but he यीशु मसीह आप में हैं लेकिन वो टू आज परमेश्वर आपको ये अनुभव देना जा रहे हैं आइए हम सब प्रार्थना करें थैंक यू वीज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू इनक्रीज इन यूर लाइफ प्लीज दिस इज अ टाइम ऑफ द स्मॉल Self-checking, self-checking time with God. How much Jesus Christ is in you, how much Jesus Christ is in you, how 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 much your prayer time is increasing. What about your Bible reading time? How much how many hours you are reading the Bible? How many hours you are praying such a way the Lord is giving you the grace today to check yourself before God because he want to strengthen you jesus want to make you more strong more strong the bible says the last fi finally my brethren be strong in the lord be strong in the lord above everything the final word the lord is telling dear son dear daughter be strong in me be strong in me and in my mighty power Ephesians six ten Today the Lord is ready to strengthen you, strengthen you, strengthen you. Don't look upon the world. The world nothing will touch you. Whatever may be the witchcraft power the people are doing, but it will not touch you. It will not come near your door. Such a powerful God is in you, in you now the special anointing the grace of the lord is coming upon every one of you every one of you the anointing the holy spirit is in you is much uh, much more greater much more greater greater lord want to give you the supernatural anointing today supernatural anointing today you should know that how many days how many months uh, how many years you are living with the spirit of fear this is the time the Lord want to deliver you today every spirit of fear get out Set your children free now in Jesus name. the Lord is strengthening every one of you, every one of you because Jesus Christ is greater, greater He want to increase in your life He want to increase in your life. He want to increase in your life, every spirit of fear get out every spirit of worries and sorrow, anxiety and depression, every weaknesses get out in jesus' name. in jesus' name. the power of god is coming upon every one of you. every one of you. you are going to be increased in jesus. your bible reading time is going to be increased. your spiritual life is going to be increased. you are going to be reach the fullness of the. fullness of the holy spirit. fullness of the anointing level. the lord want to take you into the more deep level. more deep level. how long? How long? how long you will be in there you will be in the knee level of your anointing how long you will be in the waist level of your anointing how long you will be in your shoulder level of your anointing Jesus want to fill you take you into the deep you are called by God to swim in the deep deep level of the anointing today the lord is restoring you back the Holy Spirit is coming up Upon you in a mighty way, powerful way, powerful way. The Lord is going to be restoring your spiritual life back. You are going to be rise up for Jesus Christ. You are going to be shine for Jesus Christ. In the older days, uh, the past days, uh, every kind of the unwanted, uh, the failures are changing into blessing by God today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Everyone, every one of us, let us keep on. Pray this small prayer. Let Jesus increase in me. 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 Because He is in me. He is greater than the world. He is greater than the one who is in the world. Thank you, Lord. Thank you, Lord the power of the holy spirit is coming upon every one of you the lord is going to be give you more anointing more anointing how many of you are not yet to speak the heavenly language now the lord is giving you you can speak the heavenly language the gift of tongue hallelujah it is coming it is filling you filling you you can speak the heavenly language through to your heavenly father you can speak through the heavenly language to your heavenly Father now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All the spirit of weaknesses are leaving you. Leaving you. Now the new grace is coming upon you. Coming upon you. Because the one who is in you is greater than in this world. The worldly problem will not overcome you. The worldly sinful life will not overcome you. Because the one who is in you. Because the one who is in you is greater. Thank you, Lord. He bleed and died for you on the cross. He shed his blood for you on the cross. He died and rose again on the third day for you. He is the mighty one. He is the mighty one. He is filling you right now. He is strengthening you right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For your grace, Master. Lord, right now we are praying very especially the people's need, Lord. Whatever may be their need, let every need shall be met in a miraculous way in Jesus' name. Lord, if anyone is facing the problem with your job, let the kind of the wicked people, Lord, tormenting them, torturing them should leave in Jesus' name. Lord, let your children enjoy their job peaceful in jesus name thank you lord thank you jesus thank you jesus lord very specially right now we are praying for the sicknesses every weakness should leave leave because the one who is dwelling in your children's body is greater than the sicknesses every sicknesses should leave Whatever may be the name of the sicknesses, but everything is common for the Creator. Every sicknesses, get out! Get out! Set your children free now in Jesus' name! Jesus' name! Every weakness should leave now in Jesus' name! Thank you, Lord! Thank you, Lord, for your deliverance. Now the Lord is delivering all the evil bondages working in the people's flesh. Everyone, whoever it may be, now the Lord is. The Lord is working in their life, working in their life. Your dear ones, maybe your children or someone else, brother or whatever, maybe you can pray right now. The Spirit of the Living God is going to be come upon them. The Bible says, Where there is a Spirit of God, there is liberty, there is deliverance. The Bible says, If the Son of God deliver you, you shall be delivered indeed. Today is the day of the deliverance. Deliverance, deliverance. Every sinful addiction, get out, get out. Every spirit. Of drinking alcohol, get out in Jesus' name. Every spirit of Lord, the addiction of drugs, get out. Set your children free now in Jesus' name. Thank you, Lord, for your deliverance. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every young people, Lord, deliver them. Deliver them from all addiction. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we are praying for the people, those who are waiting for their marriage. Let them find the suitable life partner soon. In Jesus' name. Lord, I pray for the people, those who are waiting for their gift of child blessing. Let them receive it today. Because Jesus Christ is greater, greater than the weaknesses. Lord, right now the power of God is coming upon. How many of you are praying for your gift of child? The Lord is touching you, touching you. Receive your miracle today in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Lord. Your testimony is going to glorify the Lord Jesus Christ. The Lord is going to honor you through the gift of child very soon. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your deliverance. Lord, we give all the glory. Lord, right now I pray for the people. Those who are praying for their spiritual growth. Let your children grow more in the Holy Spirit. Let them be filled with the Holy Spirit more and more. More. And more every day, let them all the 24 hours let your children shall be full of the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, full of the Holy Spirit. No more flesh, no more flesh, no more fle flesh should overcome. Jesus should increase. Jesus, you reign supreme in your children's life, Lord thank you as a king of kings and the lord of lord king of kings and the lord of lord thank you jesus lord we give all the glory we are praying for the salvation of the people the bible says every knee shall bow every tongue shall confess jesus christ is the king of kings and the lord of lord let the salvation grace shall flow into the families in Jesus name into everywhere in Jesus name let every families enjoy the lord joy of the salvation in their life we give all the glory lord in Jesus name we pray amen and amen